नटखट बंदर। जंगल में बहुत ज्यादा गंदगी फैल चुकी थी। राजा शेर ने सभी को आदेश दिया था कि हर कोई अपने घर के आसपास, यानी पेड़ के आसपास, नदी के आसपास, कुएं के आसपास सफाई रखे। अगर कोई भी जानवर कहीं भी गंदगी फैलाता हुआ दिखाई देगा तो उससे पूरे जंगल की सफाई करवाई जाएगी। सभी जानवर राजा की बात सुनकर सहमत थे। हर कोई अपने पेड़ के आसपास सफाई कर रहा था। धीरे धीरे पूरा जंगल साफ सुथरा और खूबसूरत दिखने लगा था। वाह, आप सभी ने मेरी बात मानकर मुझे बहुत प्रसन्न किया है। अब एक और नियम बहुत जरूरी है। हम सब एक दूसरे पर नजर रखेंगे। अगर कोई भी जानवर किसी दूसरे को गंदगी फैलाते हुए पाएगा तो वो मुझे आकर बता सकता है। उस जानवर से पूरे जंगल की दोबारा सफाई करवाई जाएगी, यही उसकी सजा होगी। तभी बिल्ली मौसी कहती है, मगर महाराज मेरा एक सुझाव है। हाँ हाँ बिल्ली, कहो क्या सुझाव है। मैं चाहती हूँ कि पूरे जंगल में आसपास बड़े बड़े डस्टबिन लगा दिए जाएं, जैसे शहरों में होते हैं। अगर कुछ खाया पिया तो गंदगी वहीं पर गिरा देंगे और महीने में एक दिन उसकी सफाई भी हो जाया करेगी। हम सब मिलकर करेंगे। बहुत ही बढ़िया विचार है तुम्हारा बिल्ली। इस बात को अमल में आज से ही लेकर आओ। बड़े बड़े डस्टबिन बनाओ और जगह जगह लगाओ। और याद रहे, एक जानवर दूसरे पर नजर रखेगा, कोई गंदगी नहीं फैलाएगा। सभी जानवर राजा की बात मानते हैं। बिल्ली के सुझाव के हिसाब से जंगल में जगह जगह कूड़ेदान रखे जाते हैं। वहीं पर एक मस्त मौला बंदर, जो किसी की बात नहीं सुनता था और बहुत शैतान था, झटपट केले के पेड़ पर चढ़कर लगातार केले खा रहा था और एक एक छिलका यहाँ वहाँ गिरा रहा था। जो भी वहाँ से गुजरता वो गिर जाता। गिर गई। सभी जानवर केले के छिलकों पर फिसल फिसल कर वहाँ गिर गए और सभी की नजर जब बंदर पे गई तो बंदर जोर जोर से हंस रहा था। देखकर नहीं चल सकते? हाँ, हम देखकर नहीं चलते। तुमने ये क्या कूड़ा मचा रखा है? जानते नहीं राजा के आदेश को? कौन सा आदेश? तुम लोग सफाई करते रहे हो, करो करो, पूरे जंगल की सफाई करो, मुझे कोई मतलब नहीं। अच्छा तो ये बात है। तभी अचानक हाथी बीच में बोलता है, देखो देखो, लड़ो नहीं। देखो बंदर, हम सबको बहुत चोट आई है, उठकर नीचे आओ। सारे के सारे केले के छिलके वो कूड़ेदान में डाल दो। तुम्हारी कोई भी शिकायत राजा के पास नहीं जाएगी, नहीं तो पूरा जंगल साफ करना होगा। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, जिसे जो करना है करो। बहुत समझाने पर भी जब बंदर नहीं माना तो बिल्ली जाकर सीधा राजा के पास शिकायत कर देती है। राजा बंदर को पूरे जंगल की सफाई का आदेश देता है और ये भी कहता है, अगर तुम दोबारा ऐसी कोई हरकत करते दिखाई दिए तो जंगल से निकाल दिए जाओगे। बेचारा मस्त मौला बंदर अब पूरे जंगल की सफाई कर रहा है और सभी लोग उसका मजाक बना रहे हैं। इसीलिए हमें जगह जगह गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। भुक्कड़ चिड़िया। चुनमुन नाम की एक चिड़िया जंगल में रहा करती थी। उसके रंग बिरंगे खूबसूरत पंख थे। हर कोई उसे प्यार करता था। हर कोई अपने हाथों में दाने तक लेकर आता ताकि वो दाने खाकर खुश हो सके। लेकिन चुनमुन चिड़िया की एक बात बहुत बुरी थी। चाहे वो जितना भी खाना खा ले, उसका पेट कभी नहीं भरता था। उसे हमेशा खाने के लिए लालच बना ही रहता था। एक दिन चुनमुन चिड़िया बड़े आराम से सड़क के किनारे पेड़ पर बैठी हुई थी। वहीं उसके आसपास उसकी सहेलियां भी बैठी हुई थी और सभी लोग बातें कर रहे थे। और सुनाओ चुनमुन चिड़िया, क्या हाल चाल है? मैं तो ठीक हूँ, तुम सुनाओ? कई दिन हो गए शहर का सफर नहीं किया। कब से हम जंगल के किनारे ही रह रहे हैं, कोई मजा नहीं है इस जीवन में। हाँ तुम ठीक कहती हो, चलो किसी दिन शहर चलकर घूम कर आया जाए। हाँ लेकिन वहाँ जाने में मुझे बहुत डर लगता है। चुनमुन चिड़िया, क्या तुम शहर के सभी रास्ते जानती हो? ना ना ना, मैं एक आध बार तो गई हूँ, लेकिन वहाँ के रास्ते मुझे बिल्कुल याद नहीं।
मैं तो वहाँ भटक ही जाती हूँ। अच्छा, अभी चिड़िया आपस में बात कर ही रही थी कि अचानक एक बड़ी सी लॉरी आकर पेड़ के पास खड़ी हो जाती है। उस लॉरी के अंदर बहुत सारा अनाज भरा हुआ था। थोड़ी देर में लॉरी चलने लगती है। दोनों चिड़िया आंखों ही आंखों में एक दूसरे को इशारा करती हैं और लॉरी के बीच में जाकर बैठ जाती हैं और तुरंत बड़े बड़े सुंदर सुंदर स्वादिष्ट दाने खाना शुरू कर देती हैं। अरे वाह, आज तो दावत हो गई। देखो देखो, एकदम ताजे दाने हैं। लगता है खेतों से अभी तोड़ कर आए हैं। हाँ चुनमुन, ये बिल्कुल सही बात कह रही हो। चलो चलो, जल्दी खाओ और उड़ जाते हैं, नहीं तो फिर से रास्ता भटक जाएंगे। शहर का रास्ता तो हमें पता ही नहीं। चुनमुन की सहेली उसे कई बार समझाती है। चुनमुन बस करो, बहुत खा लिया, चलो चलो जंगल वापस चलते हैं, नहीं तो रास्ता भटक जाएंगे। लेकिन चुनमुन को खाने में इतना मजा आ रहा था कि वो ये बात भूल ही जाती है कि उसकी सहेली क्या कह रही है। थोड़ी देर बाद उसकी सहेली वापस उड़कर पेड़ पर पहुंच जाती है और चुनमुन चिड़िया अपना रास्ता भटक जाती है। हाय राम, मैं कहां पहुंच गई, अब क्या करूं, मुझे तो घर का रास्ता भी नहीं मालूम। लेकिन चुनमुन चिड़िया की सहेली बहुत समझदार थी। वो अपने दोस्तों को लेकर इकट्ठा होकर चुनमुन की तलाश में आगे बढ़ जाती है और उन्हें ढूंढ कर वापस जंगल ले आती है। अरे तुम लोग यहाँ? हाँ चुनमुन, जल्दी चलो, इस बार हमने रास्ता निशान लगा कर आए हैं। चलो चलो। चुनमुन को मिलने के बाद सभी चिड़िया बहुत खुश थी। अपने पेड़ पर वापस पहुँचने के बाद चुनमुन चिड़िया सबसे माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो, तुमने मुझे वापस लाने में बहुत मदद की है, मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। शुक्रिया दोस्त। अब सभी खुशी खुशी फिर से रहने लगते हैं और चुनमुन चिड़िया लालच करना बिल्कुल बंद कर देती है। चंदा की एक बहुत ही अच्छी आदत थी, वो जहाँ से पानी ढूंढती थी उसके आसपास के बड़े बड़े पेड़ पौधों पर पहले पानी डालती, उसके बाद अपनी मटकी लेकर घर जाती। ये उसकी रोज की दिनचर्या का काम था। आसपास के बड़े बड़े वृक्ष हमेशा उसका इंतजार करते। चंदा आती ही होगी, आज बहुत प्यास लगी है, जल्दी आ जाए तो मजा आ जाए। हाँ भाई, तुम ठीक कहते हो, ये लड़की पूरे गांव में सबसे अच्छी है, हमेशा हर रोज हमें आकर यहाँ पर पानी देती है। कितने दिन हुए बरसात भी नहीं हुई, अगर चंदा ना होती तो हम सूख जाते। ठीक कहा तुमने। सभी पेड़ चंदा का इंतजार करते हैं। चंदा को देखकर हर पेड़ खुश हो जाता है। आ गई मैं, आज जरा खाना बनाने में देरी हो गई, इसीलिए अभी तुम सबको जल्दी से पानी दे देती हूँ। अरे अरे, बहुत गर्मी है। चंदा नदी से पानी भरती है और एक एक घड़ा हर पेड़ पर डाल देती है। हर पेड़ लहराने लगता है, खुशी से झूमने लगता है। अरे अरे अरे, देखो कैसे लहरा रहे हो, तुम्हारी तो खुशी का ठिकाना नहीं आम पेड़। हो, क्यों ना हो, इतनी प्यास लगी थी और तुम आ गई। एक बहुत ही प्यार भरा रिश्ता चंदा का पेड़ों के साथ बन गया था। कुछ ही दिनों में चंदा की शादी तय हो जाती है। एक दिन वो आम के पेड़ के नीचे बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। चंदा तुम रोती क्यों हो, बात क्या है? चंदा सारी बात पेड़ों को बताती है। अब वो पेड़ों की भाषा समझती थी क्योंकि वो उनसे रोज मिलती थी। मैं चली जाऊंगी, बाबूजी ने मेरे दूसरे गांव में शादी तय कर दी है, तुम सबकी बहुत याद आएगी, कौन तुम्हें पानी देगा? मुझे बहुत दुख हो रहा है और पिताजी के पास शादी के लिए पैसे भी नहीं है, वो हमारी दोनों बकरियां और गाय को बेच रहे हैं, उन पर इतना बोझ आ गया, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। चंदा की बातें सुनकर आम का पेड़ और बाकी पेड़ फूट फूट कर रोने लगते हैं। तभी आम का पेड़ कहता है, चंदा ने इतने सालों तक हमारी सेवा की है, हमारा भी तो कोई फर्ज बनता है, भगवान ने हमें इस धरती पर भेजा है तो कोई ना कोई पानी पिला ही देगा। आम के पेड़ को वरदान था
कि वो जब चाहता अपने आम को सोने का करके किसी को भी भेंट कर सकता था। जहाँ पर चंदा रो रही थी, उसकी झोली में आम का पेड़ सोने के आम डाल देता है। चंदा हैरान रह जाती है, अरे सोने के आम, ये कहाँ से आए? आम के पेड़ क्या ये तुमने मुझे दिए हैं? हाँ, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए शादी का तोहफा, इसे ले जाओ और अपने पिताजी को दे दो। किसी भी पालतू जानवर को बेचने की जरूरत नहीं, और हमारा क्या है, तुम अपनी सहेली गोपी को कहना, वो हमें पानी दे दिया करेगी। चंदा बहुत खुश हो जाती है। सभी पेड़ों को गले लगाकर वो अपने घर लौट जाती है। कुछ ही दिनों में चंदा की से शादी हो जाती है और फिर उसकी सहेली गोपी रोज आकर पेड़ों को पानी देती है।